तो भाई लोग, आज से कुछ टाइम पहले मैंने LCU पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक पॉइंट रेस किया था कि शायद रोलेक्स LCU का मेन विलन नहीं है। और उस वीडियो में मैंने कुछ एक्टर्स का नाम लिया था जो कि पोटेंशियली LCU के मेन विलन हो सकते हैं, और मुझे क्या ही पता था कि मेरी जुबान इतनी ज्यादा मुबारक होगी। और आज से दो दिन पहले लोकेश कनगराज ने जो बॉम्ब फोड़ा है उसने लिटरली LCU के फैंस के अंदर एक नया जोश सा भर दिया है, क्योंकि लोकेश कनगराज ने अपना नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर अनाउंस कर दिया है जिसमें लीड एक्टर होने वाले हैं नन अदर देन द थलाइवर, द ओजी सुपरस्टार ऑफ इंडिया रजनीकांत सर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी अनाउंसमेंट के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे और देखेंगे कि इस रजनीकांत मेकिंग अ एंट्री इनटू द LCU और नॉट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। What we know about Thalaivar 171? तो भाई लोग, रजनीकांत सर ने अभी अभी बॉक्स ऑफिस को और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक बार फिर याद दिलाया है कि उनको थलाइवर रजनीकांत क्यों कहा जाता है जेलर के साथ। टिल टुडे जेलर मूवी 600 करोड़ प्लस का बिजनेस कर चुकी है और रजनीकांत सर के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है। और ऐसे में अभी हम व्यूवर्स एंड फैंस इस खुशी से निकले ही नहीं थे कि परसों हमें एक और धमाकेदार न्यूज सुनने को मिली कि रजनी सर की नेक्स्ट फिल्म लोकेश कनगराज साथ होने वाली है। और ये न्यूज सिर्फ रजनी सर के फैंस के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल मूवी लवर्स के लिए भी एक बहुत ही तगड़ी न्यूज है, क्योंकि हम सब इस बात से फेमिलियर हैं कि लोकेश कनगराज अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड और रॉ रखते हैं और रजनी सर जाने ही जाते हैं अपने ऑरा और स्वैग की वजह से। तो ये डिफरेंट सेट ऑफ पावर हाउसेस जब एक साथ आएंगे और लोकेश कनगराज किस तरह से रजनी सर को बड़े पर्दे पर प्रेजेंट करेंगे, ये देखने के लिए तो मैं अभी से बेताब होता जा रहा हूं। थलाइवर 171 सिर्फ अभी इस मूवी का वर्किंग टाइटल है, ऑफिशियल टाइटल अनाउंस होना बाकी है इस मूवी का। इस मूवी को प्रोड्यूस सन पिक्चर्स वाले कर रहे हैं जिन्होंने इससे पहले भी रजनी सर के काफी प्रोजेक्ट्स को बैंक रोल किया है, सच एज जेलर, पेट्टा और अन्नाते। इस मूवी का म्यूजिक अनिरुद्ध दे रहे हैं जो कि इस वक्त ऑल टाइम इंडस्ट्री फेवरेट चल रहे हैं। एक तो बंदे का काम टॉप क्लास और ऊपर से जिस तरह से अनिरुद्ध डिफरेंट मेगा स्टार्स के लिए बफिटिंग बैकग्राउंड स्कोर्स देता है वो भी बहुत ज्यादा कमाल है। अभी रिसेंटली हमने ये जेलर और जवान में देखा और अभी आने वाली काफी सारी मूवीज जैसे कि लियो और थलाइवर 171 में भी अनिरुद्ध का म्यूजिक होगा। तो इस वक्त म्यूजिक के डिपार्टमेंट में हर जगह बस अनिरुद्ध का ही नाम छाया हुआ है। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर होंगे सत्यन सूर्यन, जिन्होंने इससे पहले लोकेश के साथ कैथी और विक्रम में भी काम किया हुआ है। ये मूवी की अनाउंसमेंट तो अभी हुई है लेकिन इनसाइडर न्यूज ये आ रही है कि ये मूवी 2024 के फर्स्ट हाफ में ही फ्लोर्स पर जाएगी, द कनेक्शन विद LCU। तो भाई लोग, लोकेश कनगराज एज अ डायरेक्टर और LCU एज अ फ्रेंचाइज पॉपुलैरिटी के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है कि उनके आने वाले हर प्रोजेक्ट का लिंक ना चाहते हुए भी LCU से जाकर जुड़ता है। और जब आपकी मूवी में रजनीकांत जैसे मेगा स्टार हो तो ध्यान ना चाहते हुए भी उस तरफ जा पहुंचता है। और जब से ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है तब से ही LCU के फैंस और ऑडियंस दो पॉइंट ऑफ व्यूज में स्प्लिट हो गई है। पहला तो ये कि ये मूवी LCU का पार्ट होने वाली है और दूसरा ये कि ये मूवी एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी। और मुझे खुद भी एक जगह से न्यूज आई है कि ये मूवी LCU का पार्ट नहीं होने वाली बल्कि ये मूवी एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी। लेकिन विद दैट बीइंग सेड, अगर ये मूवी LCU का पार्ट होती है तो ये न्यूज कोई ऐसे ही खाली पीली में थोड़ी ना अनाउंस करेगा बल्कि सबर करके पका के मसाला लगा कर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि इसका मैक्सिमम इंपैक्ट बॉक्स ऑफिस पर डाला जा सके। द कंक्लूजन। अब देखो भाई लोग, इस वक्त साउथ की इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो अपने पीक फेज में चल रहे हैं, जिनका काम उनकी मूवीज इतनी जबरदस्त है कि ना सिर्फ साउथ इंडस्ट्री के लेजेंड्स बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी उनके साथ काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकेश कनगराज, नेल्सन, एटली, प्रशांत नील, SS राजामौली टू नेम फ्यू। और ये बात तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कर चुका हूँ कि लोकेश कनगराज के पास इस टाइम एक सिटिंग गोल्डन गूज है जिसका नाम है LCU। इतनी बड़ी फैन बेस जो कि लॉयल है और आपके हर आने वाले प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठी है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोकेश कनगराज हिमसेल्फ भी चाहेंगे कि वो LCU फ्रेंचाइज को इन द बिगेस्ट वे पॉसिबल में कंक्लूड करें, एंड राइटफुली सो। और मैं नहीं जानता कि आइदर रजनीकांत सर एंड लोकेश कनगराज आर इन टॉक्स फॉर इट और नॉट, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं कि अगर एक फ्रैक्शन की भी पॉसिबिलिटी है तो लोकेश कनगराज शुड गो फॉर इट एंड इंक्लूड रजनी सर इनटू द LCU, क्योंकि इतने बड़े स्टार का नाम आपकी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ना आपकी ऑलरेडी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज को सक्सेस की किन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा इसका अंदाजा आपको शायद खुद भी नहीं होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि लोकेश कनगराज अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे और ऐसे में अगर तो थलाइवर 171 LCU का पार्ट
पार्ट नहीं भी होती तो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोकेश कनगराज और थलाइवर रजनीकांत का एक साथ काम करना ही मूवी लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर समहाउ लोकेश कनगराज मैनेजेस टू पुल दिस ऑफ और रजनी सर एलसीयू के डायनामिक्स में इंटर होते हैं, तो भाई लोग मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सेंचुरी का सबसे बड़ा स्वर्व होने वाला है, क्योंकि आपको एक ही फ्रेंचाइज में रजनीकांत, कमल हसन, सूर्या, कार्ति, फहाद फासिल और थलापति विजय देखने को मिलेंगे। तो फिंगर क्रॉस्ड एंड लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस एलसीयू फैंस। तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम कितने एक्साइटेड हो थलाइवर रजनीकांत और लोकेश कनगराज के इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये मूवी एलसीयू का पार्ट होगी या नहीं। अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।